खान अब्बा जी मेरा फैसला कराएं, मैं इस घर में सबकी बातें सुनने के लिए रह गई हूँ। ओ पुत्रा, तुझे बरीकी तोपों की तरह बबारी शुरू कर दी है, हुआ क्या है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया क्या? ओ पुत्र, बता तो सही, बात क्या हुई है? नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ बार बार पे ताने सुनने को मिलते हो। ओ को गल ते दस। पहले वो नायला की वजह से सारे लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, और अब उसकी बेटी आ गई है। और नायला ने तुम्हें क्या कह दिया? हाँ, उसने क्या कहना है, और वैसे भी अब्बा जी आपको तो उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैं कैसे जिंदा रह रही हूँ, जमीन पे नींद आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ नहीं पता आपको। उसकी प्राइवेसी है और मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं तो इंसान ही नहीं हूं ना। ओए अच्छा, चल पुत्र इधर आ मेरे पास, मुझे बताओ मेरा पुत्र क्या हुआ, इधर आ। मैंने नहीं आना अब्बा जी, तो भाभी हर वक्त मुझे तलाक के ताने देती रहती हैं, और भाई ऐसे बगैरत है कि उन्होंने कभी झूठे में मुझे पूछा तक नहीं है। एक कमरा ही था ना मेरे पास, चुप करके वहां बैठी रहती थी। अब्बा जी आपने वो भी मेरे से ले लिया, और क्या होना है, पीछे रह ही क्या गया। वो पुत्र क्यों ऐसी बातें कर रही है? मुझे नहीं पता अब्बा जी, आप मेरा फैसला कर दें, मुझे इस घर पर रखना या नहीं रखना। अगर मैं इतना ही बोझ हूं ना, तो मुझे बता दे, मैं चली जाती हूँ। मुंह बंद कर अपना। अच्छा चल साथ ले पुत्र। नहीं अब्बा जी, मेरी जिंदगी मेरी खुशियां तो किसी को नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे। ओए अच्छा चल चुप कर जा पुत्र, मेरे लिए तुम में और नायला की बेटी में कोई फर्क नहीं है। रहने दे अब्बा जी, फर्क है। मेरा कमरा उसको देते हुए तो एक दफा भी आपके जहन में मेरा ख्याल नहीं आया ना। और तुझे कमरे की तंगी है ना? हाँ, और भी कई मसले हैं, लेकिन आपको कोई नजर आए तब ना। वो आता है, सब नजर आता है, कर तो मैं कुछ हद हो गई है, इतनी कौड़ी तबीयत नहीं कर लेते पुत्र, घरों में गुजारे करने होते हैं। बंद कर ले इस खंदक को। राजू हाँ जी, हाँ सर। पुत्र वो सही बात है ना, तो इन सब को इकट्ठा करो जरा, मैंने इनसे बात करनी। हाँ साहब, सबको घर से निकालने लगे। नहीं पुत्र, सारे किस लिए निकालना, सिर्फ तेनू शो गया, मुंह बंद कर। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है, और हर गद्दार की सजा मौत है।